अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन, आपको पता होगा कि मड़वा में जो है वो आर्मी जो 11 RR है और पुलिस से उन्होंने मिलकर जो है वो एक टेरर हाइड आउट को जो है बस्ट किया है। वो हिज्ब की टेरर हाइड आउट है जो जागीर सुगोनी रियाज और उसका साथी जो है वो मुदसर जो है वो गालिबन इस्तेमाल करते थे, लेकिन वहाँ से जो है वो सिर्फ वेपन मिला है लेकिन कोई मिलिटर जो है वो पकड़ा नहीं गया है। जो ये नेचुरल केव टाइप जो गुफा थी, हाइड आउट थी, जहाँ पर 2 से 3 शख्स जो है वो एट अ टाइम रह सकते थे, उसमें जब आर्मी और पुलिस ने सर्च की है, वहाँ से 2 ग्रेनेड उनको मिले हैं, 2 मैगजीन मिले हैं, AK-47 के 109 राउंड्स मिले हैं, AK-47 के, इसके अलावा जो है वो 56 राउंड मिले हैं पीका के, 1 मैगजीन मिला है 303 का, 27 राउंड मिले हैं 303 राइफल के, 1 डेटोनेटर मिला है और 1 सेफ्टी फ्यूज़ मिला है। इसका ये मतलब है कि वहाँ पर टेररिस्ट जो है वो कभी भी किसी तरह की जो है वो वारदात को अंजाम दे सकते थे, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती थी। लेकिन 11 RR की टीम ने और जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है जो मड़वा में है, उन्होंने बरवक्त ऑपरेशन करके जो है वो इस हाइड आउट को जो बस्ट किया और वहाँ से जो है वो रिकवरीज की है वेपन की, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसमें AK-47 के राउंड्स हैं, मैगजीन्स हैं, ग्रेनेड्स हैं, डेटोनेटर्स हैं और फ्यूज हैं। ये जो हाइड आउट है ये सरकंडू एरिया जो मड़वा का है वहाँ पर मौजूद है और बताया जा रहा है कि जो टेररिस्ट रियाज है जो वहाँ का लोकल है, इसके अलावा जहांगीर सुरूड़ी और मुदस्सिर जो कि दक्षिण का है, जो इस एरिया में जो है वो काफ़ी टाइम से एक्टिव हैं, वो जो है इसको गालिबन शायद यूज़ करते थे, या जो इनके पुराने साथी थे वो इसको यूज़ करते थे। जो सरकंडू एरिया है, सरकंडू एरिया जो है वो मड़वा और वॉर्बन का जो एक तरह से जो बॉर्डर लाइन हम इसको बोलेंगे वहाँ पर मौजूद है, और सरकंडू से जो है वो वॉर्बन की तरफ भी शिफ्ट किया जा सकता है और जो मड़वा है वहाँ की तरफ भी शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये एक मिड पॉइंट है, वहाँ पर से जो है वो सड़क नज़दीक है और सड़क के ज़रिए जो है वो गाड़ी में कहीं भी जो है वो आया जाया जा सकता है। हालांकि वहाँ पर फौज के कुछ नाके लगे हैं, लेकिन क्योंकि ये लोग जो है वो काफ़ी जो है वो ट्रेन लोग हैं और शातिर लोग हैं, ये उन नाकों को भी जो है वो पार करते हैं, क्योंकि हमें पिछले साल 2020 में भी एक खबर मिली थी कि जो जहांगीर सुगरूड़ी है वो मॉडवन में जो है वो फड़ी का काम कर रहा था, क्योंकि उसकी लेटेस्ट पिक्चर्स और वीडियोज़ या रियाज के लेटेस्ट फोटोज़ और वीडियोज़ जो है वो नहीं मौजूद है सिक्योरिटी फोर्सेज के पास, जो भी मौजूद है वो 3 साल 4 साल पुराने जो पिक्चर्स हैं वो हमारे पास मौजूद है। आज की डेट में भी जो हम आपको दिखाएंगे, भी जो हम आपको ये विजुअल्स दिखा रहे हैं जो साइट पे आपके स्क्रीन पे चल रहे हैं, ये जो है वो एक्सक्लूसिव विजुअल्स हैं जो आर्मी वहाँ पर सर्च कर रही थी। जो सरकंडू एरिया है, जो मिलिटेंसी है वो सिर्फ अगर किश्तवाड़ के डिस्ट्रिक्ट में कहीं है, वो जो है वो दक्षिण से मड़वा में जो बेल्ट है और जो दक्षिण के साथ में जो किदरू एरिया है जो बॉर्डर में पड़ता है, जहाँ पर पिछली बार कुछ साल पहले जो है वो जहांगीर सुरूड़ी के साथ सिक्योरिटी फोर्सेज का एनकाउंटर भी हुआ था, उसमें हमारे कोई जवान शहीद भी हुए थे। जो जहांगीर सुरूड़ी है पिछले 32 सालों से वो इस एरिया में एक्टिव है, तकरीबन 30 साल से जो है वो आइडेंटिफाइड है, और उसके अलावा जो रियाज है वो तकरीबन 12 साल से एक्टिव है, और मुदस्सिर जो है वो उसामा का साथी था, जो बताया जाता है जो परिहार ब्रदर्स की किलिंग और RSS लीडर चंद्रकांत शर्मा की किलिंग में मुलविस था, जो कि बटवोट में एनकाउंटर में मारा गया था, उसी के साथ जो है वो मुदस्सिर ने भी जो है मिलिटेंसी ज्वाइन की थी। आज वो जहांगीर के साथ एक्टिव है और उसके साथ कुछ और जो अननोन फेसेस है जिनको हम हाइब्रिड टेररिस्ट भी कह सकते हैं। जो मड़वा है, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है कि जो मड़वा है वो एक टेरर हब रहा है, एक वक्त था वहाँ पर 200 से 300 से 400 के करीब फॉरेन मिलिटेंट्स भी जो है वो एक्टिव रहे थे, और ये जो है वो डैन था, वहाँ पर क्रिकेट मैचेस होते थे, वहाँ पर जो है वॉलीबॉल के मैचेस होते थे, लेकिन लोगों की मदद से जो है वो पुलिस और आर्मी की मदद से आज ये सिर्फ वहाँ पर 3 मिलिटेंट जो उस एरिया में एक्टिव है, जिनमें सिर्फ एक जो है वो आज की डेट में लोकल है, और लोग जो है वो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज को मदद करना चाहते हैं कि एलिमिनेशन में जिन तीनों पर जो है 30 लाख के करीब का जो है वो इनाम है वो रखा गया है सरकार की तरफ से, लेकिन कम्युनिकेशन ना होने की वजह से जो मोबाइल नेटवर्क वहाँ पर नहीं है। हालांकि जियो के मोबाइल वहाँ पर जो है लगे हैं, वहाँ पर BSNL का मोबाइल भी लगा है, लेकिन जो है वो नॉन फंक्शनल है, और हमारी गवर्नमेंट से इस डिस्पैच के जरिए अपील है कि वो जो है वो इन मोबाइल टावर्स को जल्दी से जल्द एक्टिवेट करें, ताकि जो लोग हैं मिलिटेंट्स के बारे में और जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उनके बारे में जो है बर वक्त इतला दे सके
और जो वहाँ पर किसी भी तरह की मिलिटेंसी कार्रवाई को जो है वो रोका जा सके। आप ये देख रहे थे जो एक्सक्लूसिव विजुअल्स हमारे पास मिले हैं, जो सरकंडू मड़वा का एरिया है जहाँ पर ये जो हाइड आउट जो हिज़ की थी उसको जो है वो आले वनाराज ने और पुलिस ने जो है वो बस्ट किया, जहाँ से काफ़ी मात्रा में जो है आर्म्स एंड एमिनेशन भी जो है वो मिले हैं। आप हमारे चैनल को जो है वो देखते रहे, आप हमारे पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो लेटेस्ट अपडेट जो है वो हम तक आप तक जो है वो हम पहुंचा सके। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।